गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल, कैसे हो सभी? आइए जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए क्लास में, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मीनाक्षी डवास गुड इवनिंग डियर, हंसिका वर्मा गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग स्टूडेंट, अरे आवाज ही वापिस आ रही। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल। 7:02 हो गई हैं और 3 मिनट पे हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तब तक कुछ बच्चे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे हैं सभी? सब अच्छे हैं? फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग हर्ष कर राम राम भाई, बिल्कुल अच्छे सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोहित डागर हेलो हेलो हाय डियर। रूबी चाउ गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जुड़ते जाइए सब, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, ताकि स्टार्टिंग में अगर मिस आउट हो गया कुछ तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए तब तक 2 मिनट के लिए कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फिर काफ़ी स्टूडेंट जुड़ भी जाएंगे, है ना? तब तक कुछ स्टूडेंट जुड़ जाएंगे तो कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 2-4 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सबको आंसर बताते जाना है, ताकि आपको मेरे को ये पता चले कि हाँ जी आपने कल कुछ रिवीजन किया या नहीं किया, ठीक है? हाँ जी, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, हेलो हेलो ऑल। देखिए 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है आपका कि 10 लेफ्ट और फिर है आपका कितना है 5 राइट है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करो, क्या आएगा ए टू जेड के बीच में, कि विच लेटर विल बी कम फिफ्थ, विच लेटर विल बी कम 5 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट साइड। पबजी किलर राम राम भाई राम राम, सबको नमस्कार। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर आपको अब बोला जाता है कि 10 राइट और 4 लेफ्ट, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो जो चीजें हमने कल पढ़ी थी, बस हम उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। चला दी चलिए बताइए, आंसर बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, फिर सेकंड का, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ रहा है, के आ रहा है, बहुत अच्छे। ठीक है, ओ आएगा मोहित डागर, ओ आंसर है, क्यों है ज्योति राठी के है। चलिए सोल्व कराते हैं, टाइम हमारा वही ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो देखो यहाँ पे लेफ्ट लिखा गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। तो 10+5 कितना होता है 15, और लेफ्ट साइड से 15 नंबर पे कौन होता है, ओ। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ओ है। फिर आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, राइट लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम राइट। तो 10+4 कितना होता है 14 होता है। तो अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे राइट साइड से गिवन है, तो हम 27 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 27-14 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पे क्या होता है, M होता है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, M होगा। काफी बच्चों के आंसर सही थे, वो आंसर आ रहा था मोहित डागर का, उसके बाद में फिर है
HR पबजी किलर, ठीक है वो आंसर आ रहा था भाई, बहुत अच्छे। फिर मोहित टाइगर का आ रहा है M2, ठीक है, यानी कि दूसरे का जो है ये आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जा रहा है। फर्स्ट हाफ कैसे, कि जो आपका अल्फाबेट होती है, टोटल अल्फाबेट कितनी होती है, 26 होती हैं। अगर मैं 26 का हाफ कर दूंगा तो वो टोटल लेटर आपके कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। जो आपकी 1 से 13 संख्या तक है उसको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, यानी कि मैंने ऐसे लिखा है 13 से लेकर के 1 तक। और जो आपका बाकी का रह जाता है उसको मैंने सेम एज इट इज लिखा हुआ है, यानी कि दूसरे हाफ को मैंने रिवर्स ऑर्डर में चेंज नहीं किया है। वही सेम आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे अपना ये M से लेकर के यहाँ A तक, ये आता है अपना फर्स्ट हाफ। और इस फर्स्ट हाफ को डियर स्टूडेंट मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, विपरीत क्रम में मैंने इसको लिख दिया है। और जो सेकंड हाफ है आपका वो सेम एज इट इज है, उसमें आपका कोई भी चेंज जो है वो नहीं है, इसमें आपका कोई चेंज नहीं है, वो ऐसे के ऐसे है एक्चुअल में है। फिर आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्वेश्चन से पहले हम कुछ चीजें और जान लें, कि अगर मान लीजिए कभी भी आपको रिवर्स देता है, जैसे कि इसने पहले कितने लेटर रिवर्स किए हैं, इसने पहले 13 लेटर रिवर्स किए हैं, पहले 13 लेटर रिवर्स किए हैं। अगर जब कभी भी आपका जो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे कि लिखा गया है कि 6 लेफ्ट है 5 राइट है, इनको हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 11 लेफ्ट है। यानी कि अगर लेफ्ट साइड से जब कभी भी आपका सॉल्यूशन 1 से लेकर के 13 संख्या के बीच में आता है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि 13 तक ही हमने रिवर्स कर रखा है, तो टोटल लेटर आपके कितने हैं, 13 है। तो आप 13+1 कर देना, 13+1 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, वो हो जाएगा 14। अगर आपका आंसर 1 से 13 के बीच में है तो आपको उसको हमेशा 14 में से माइनस करना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जितने भी लेटर आपके रिवर्स हो, जितने भी लेटर आपके रिवर्स हो, कि जितने भी आपके रिवर्स लेटर हैं, जितने भी रिवर्स लेटर हैं उसमें आपको हमेशा +1 करना है, स्टार्टिंग में अगर जितने भी हैं, फिर हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखिए कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या बोला गया है कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज इन रिवर्स ऑर्डर, कि जो फर्स्ट हाफ है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, प्रथम वर्धांश विपरीत क्रम में है। उसके बाद फिर यहाँ पे बोला गया है कि बाएं से पांचवें पे, यानी कि लेफ्ट से आपका फिफ्थ पे, भाई इंग्लिश में तो आपको आखिरी से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो बोला गया है कि लेफ्ट साइड से पांचवें पे, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से कितने पे है, पांचवें पे है। फिर उसके 6 दाएं, फिर उसके 6 दाएं, अब इसके 6 राइट पे आपका क्या आंसर आएगा, ऐसा ही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, फिर आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर कहाँ से आना है, आंसर आना है आपका इस लेफ्ट से, आंसर आएगा लेफ्ट से। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा 11। देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि 1 से 13 संख्या के बीच में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 14 में से माइनस करना होगा, 14-11 करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 3। और 3 पे क्या होता है हमारा, सी होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। काफी बच्चों का आंसर आया, बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत अच्छे। सी आंसर आ रहा है ज्योति राठी का, पहले हंसिका वर्मा का, फिर ज्योति राठी का, फिर अंशु डागर का। प्रत्यक्ष, हेलो हेलो डियर, बहुत अच्छे, सब आंसर देते रहो। राम राम भाई दुर्गेश, राम राम भाई, राम राम, नमस्कार अभिषेक भाई, नमस्कार। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज, ऐसे के ऐसे ही है, उसको भी समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या बोला गया है, फर्स्ट हाफ आपका क्या है, रिवर्स है, फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स है। अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स है, कितने में से माइनस करना होगा, 14 में से माइनस करना होगा।
बोला जा रहा है कि बाएं से आठवें, यानी कि एट क्या आया, लेफ्ट आया, फिर क्या है, फोर राइट है, फिर क्या बोला गया है, फोर राइट है, ऐसा ही बोला गया है कि एट लेफ्ट है और फोर्थ राइट है, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। जब हम इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट से है, कहाँ से है, लेफ्ट से है, तो हमें लेफ्ट लिख लेना है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट प्लस क्या होगा, राइट होगा, यानी कि 8 + 4 होगा, 8 + 4 कितना होगा डियर स्टूडेंट, वो होगा 12। अगर आपका आंसर 1 से 13 संख्या के बीच में है तो हमें किसमें से माइनस करना पड़ेगा, 14 में से माइनस करना पड़ेगा। 14 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2, और 2 पे कौन होता है, बी। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, मोहित डागर का बी आंसर है, मीनाक्षी डवास का बी आंसर है, पबजी किलर बी आंसर है, अंशु डागर बहुत अच्छे बी आंसर है, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया, सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया। चलिए, अंशु डागर बी है, ज्योति राठी बी आंसर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसिका वर्मा बी आंसर था, हंजी बहुत अच्छे। अभिषेक भलारा भी आंसर था पिछले क्वेश्चन का, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर, सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। चलिए 25th क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, बस आपको ध्यान रखना है हमेशा लेफ्ट और राइट का, हमेशा हमेशा लेफ्ट राइट का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रत्यक्षा बी आंसर है, ठीक है प्रत्यक्षा। चलिए करिए इस क्वेश्चन को सोल्व, कैसे सोल्व करना है समझते हैं। क्या बोला गया है, दाएं ओर से, यानी कि राइट साइड से 12 बोला गया है, वे राइट साइड से क्या बोला गया है, 12। उसके बाद में क्या बोला गया है, उसके बाद में बोला गया है बाएं छठवां, यानी कि 6 लेफ्ट आपको बोला गया है, कि आपको क्या बोला गया है, 6 टू द लेफ्ट। अब यहां से आपको सोल्व करना है इस तरीके से। अब ये आंसर आपका किसमें है, आंसर है आपका राइट में। अगर आपका आंसर राइट में है तो इसे पहले लेफ्ट में आपको बनाना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा, और लेफ्ट में बनाने के लिए अब हमें इसे 27 में से माइनस करना होगा। तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, 12 और 6 को जोड़ेंगे, 12 और 6 कितना होता है, 18 होता है। अब 27 में से अगर 18 माइनस हो जाएगा तो वो कितना बचेगा, वो बचेगा 9 लेफ्ट आ जाएगा। अब आपका आंसर किसमें आ रहा है, 1 से लेकर के 13 संख्या के बीच में आ रहा है, जो कि ये किसमें है, फर्स्ट हाफ में है, और अगर आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स होगा तो हमें 14 में से माइनस करना होगा। तो इस 9 को कितने में से माइनस कर देंगे, इसको हम 14 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5, और 5 पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ई हो गया। बहुत अच्छे, मोहित डागर का ई आंसर है, उसके बाद पबजी किलर ई आंसर है, हाँ जी 25th का ई आंसर है, मोनिका राठौड़ ई आंसर है, मीनाक्षी डवास ई आंसर है, ज्योति राठी ई आंसर है, हंसिका वर्मा ई आंसर है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छे, यानी कि सब ने प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छी बात है। हंसिका वर्मा ई आंसर है, अंशु डागर ई आंसर है, प्रातश्या ई आंसर है, बहुत अच्छे बच्चे बहुत अच्छे, सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल सही थे। 26th क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं, 26th क्वेश्चन को चेक करिए क्या बोल रहा है। विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ, 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम राइट साइड, दाएं से 18वें अक्षर के, दाएं से 18वें अक्षर के 6 बाएं कौन सा अक्षर होगा। ध्यान रखना है राइट है, अगर राइट होगा तो 27 में से माइनस होगा। हाँ जी अभिषेक भलारा भाई, बिल्कुल सही आंसर था आपका पिछले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे 27 में से माइनस होगा, पहले 18 और 6 को हम जोड़ लेंगे, 18 और 6 कितना होता है डियर स्टूडेंट, 24 होता है, तो वो होता है 24, माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है भाई। पहले लेफ्ट बनाएंगे, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स चल रहा है,
अब हम इसे 14 में से माइनस कर देंगे, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11, और 11 पे क्या होता है आपका k होता है। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आ जाएगा k। हाँ जी k आंसर है, अरे मैं पूछ रहा हूँ k आंसर है। हाँ जी ये लैंग्वेज ही ऐसी है ना कि k आंसर है, क्या आंसर है। हाँ जी पहला आंसर आया है भावना, पहुंचे लेकिन थोड़ा लेट, के आंसर है ठीक है, पबजी के आंसर है, मोहित डागर के आंसर है, अभिषेक बलारा के आंसर, बहुत अच्छे लाजवाब, जिनका आंसर नीचे आ रहा था वो टॉप पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, ज्योति राठी के आंसर, गौरव दैया के आंसर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हंसिका वर्मा के, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं डियर आज मैंने बिल्कुल करेक्ट टाइम पे स्टार्ट कर दिया, मीनाक्षी डवास के, अंशु डागर के, मोनिका राठौड़ के, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं, करिए चेक करिए क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से कितना है, लेफ्ट साइड से है आपका 20 है भाई, फर्स्ट हाफ ही रिवर्स चल रहा है, उसके बाद क्या बोला गया है 4 लेफ्ट, देखो इंग्लिश में भी ऐसा ही है 4 लेफ्ट है, और कितना है 20 लेफ्ट है, तो यहाँ कितना आएगा लेफ्ट, नीचे की तरफ क्या आएगा डियर स्टूडेंट, लेफ्ट आएगा। अब 20 में से 4 माइनस होगा, 20 माइनस 4 माइनस होगा, तो माइनस होगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और यहाँ पे आया 16, और 16 पे क्या होता है P, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा P हो जाएगा। मोहित डागर P आंसर है, अंशु डागर P आंसर है, हर्ष खराब दो आंसर है, बिल्कुल सही है, गौरव दैया P आंसर है, बहुत अच्छे लाज। देखो यहाँ पे मैंने 14 का यूज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया प्यारे बच्चे कि यहाँ पे एक से लेकर के 13 के बीच में 1 to 13 के बीच में तो आपका आंसर आया ही नहीं, नहीं आया तो हमें 14 का यूज करना ही नहीं है, क्योंकि देखो फर्स्ट 13 लेटर को हमने रिवर्स में लिखा है, यानी कि 13 से 1 लिखा है, बाकी के तो आपके सेम है, 14 है 15 है 16 है अप टू आपके 26 तक बिल्कुल सेम है। अब इसने क्या बोला है लेफ्ट साइड से 16 पे जाइए, ठीक है लेफ्ट साइड से हम 16 पे जाते हैं, तो 16 पे तो 16 ही लिखा है, तो इस वजह से आपका आंसर क्या होगा P होगा। सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट थे, गौरव मीनाक्षी पबजी भावना ज्योति अभिषेक हंसिका सबका आंसर P बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं, कोशिश करिए सबके आंसर बिल्कुल लाजवाब आ रहे हैं, करिए चेक करिए, बस आप सब ऐसे ही पढ़ते रहो मेहनत करते रहो, सफलता बिल्कुल मिलेगी आपको, सफलता तो यूं आपके कदम चूमेगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी वैकेंसी है बच्चे, बहुत सारी वैकेंसी है इस साल, बस आप तो ये समझो कि लॉकडाउन अगर लग गया, जिस बच्चे का सिलेबस नहीं हुआ था उसका तो मैं खैर लॉस समझता हूँ, जिसका सिलेबस हो रखा था उसके लिए सुनहरा मौका है भाई, रीजनिंग की तरफ से दिक्कत मत लेना, मैं यहीं पे आपका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाऊंगा, हर हालत में कंप्लीट कराऊंगा चाहे कुछ भी हो। 18th राइट बोला गया है, फिर क्या बोला गया है 5 राइट बोला गया है, तो अगर राइट साइड से आंसर होगा तो 27 में से माइनस होगा भाई, राइट और राइट है तो माइनस हो जाएगा, 18 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आया 13 आया, 27 माइनस 13 कितना होता है 14 होता है, आंसर 1 से 13 तक आता तो ही हम 14 का यूज करते, लेकिन आंसर तो डायरेक्ट आपका कहाँ आ रहा है 14, तो 14 पे क्या होता है n होता है डियर स्टूडेंट, आंसर क्या हो जाएगा n हो जाएगा, बहुत अच्छे लाजवाब। गौरव दैया जे नहीं भाई, कहीं ना कहीं आपने कहीं मिस्टेक कर दी, 18 में 5 जोड़ दिया शायद, या तो ऐसी गलती कर दी होगी कि जे आंसर कब आ सकता है, जे आंसर तब आ सकता है कि जब हम 18 में 5 जोड़ देंगे, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, W का अपोजिट होता है D, और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, फिर आंसर जे आता है ना, फिर आंसर जे आता है, तो जे आंसर नहीं है। हाँ जी सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट था, मोहित डागर अंशु डागर बहुत अच्छे सेम सेम है, ज्योति राठी है पबजी भावना, गौरव दहिया अभिषेक बलारा, हर्ष कर्ब मोनिका राठौड़ मीनाक्षी डवास, उसके बाद में हंसिका वर्मा, इन सब बच्चों के बिल्कुल परफेक्ट आंसर थे एन था। आज तो लेट हो गई मेरी क्लास, कोई नहीं शिवानी शर्मा, बच्चे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। राम राम भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल।
चलिए 29th पे पहुंचते हैं। अब आपकी टाइप हो गई है चेंज। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? अब तक हमने फर्स्ट हाफ हम पढ़ चुके हैं, और अगर फर्स्ट हाफ का यूज होगा तो वो 14 का यूज करेगा। और ये 14 आया कहाँ से था, उसके लिए मैं आपका थोड़ा सा और टाइम लेना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ही क्लियर करवा दूं। यहाँ पे देखो, अगर आपसे जब कभी भी ऐसा बोला जाए, आपसे बोला जाए कि फर्स्ट 13 लेटर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो पहले 13 रिवर्स में है, तो आपको क्या करना है, 13+1 कर देना है। अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन आपका 1 से 13 के बीच में आता है, तो आपको 14 में से माइनस करना है। बस इतना ध्यान रखना है। ये 14 कहाँ से आया? 14 आया डियर स्टूडेंट यहाँ से। अगर वो आपसे ये बोलता है कि मैंने तो पहले वाले 5 लेटर रिवर्स कर दिए, 5 लेटर जो हैं, 5 लेटर मैंने रिवर्स कर दिए, तो कितने लेटर रिवर्स किए उसने? उसने 5 लेटर रिवर्स किए। 5+1 कर दो। अगर आपका आंसर 1 से लेकर के 5 के बीच में आता है, तो आपको माइनस कर देना है 6 में से। 6 आया आपका यहां से, जैसे कि 5 लेटर रिवर्स है, यानी कि फिर है ई है, उसके बाद में क्या है, डी है, फिर सी है, फिर बी है और ए है, उसके बाद एफ जी एच आई जे, बाकी सब सेम है। यानी कि जो ये फर्स्ट 5 लेटर है, ये आपके रिवर्स हैं। जो भी क्वेश्चन हो, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका कि 2 लेफ्ट और 2 राइट ऐसा लिखा हो, तो आप यहाँ सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। देखो आंसर किस में आ रहा है, 1 से 5 संख्या के बीच में आ रहा है, तो आपको 6-4 कर देना है, 6-4 कर देना है, आंसर कितना आएगा, 2 और 2, यानी कि बी। यही बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से पहले पे, लेफ्ट साइड से दूसरे पे, उसके 2 राइट और चले जाओ, 1 और 2 राइट, आंसर क्या आ रहा है हमारा, बी आ रहा है। वो कितने भी लेटर रिवर्स क्यों ना करे, वो चाहे आपके 15 लेटर रिवर्स कर दे, लेकिन ध्यान रखना कि फर्स्ट 15 लेटर के लिए ये बातें चल रही है, वो 15 लेटर रिवर्स करता है और आपका आंसर 1 से 15 के बीच में आता है सॉल्यूशन, तो आपको 15+1 कर देना है, यानी कि आपको 16 में से माइनस कर देना है, जो भी सॉल्यूशन 1 से 15 के बीच में आए। तो सेम ऐसे ही अब मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूं, फिर कोशिश करेंगे कि किस किस का आंसर आ पा रहा है। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि मैंने जो है फर्स्ट 20 लेटर रिवर्स कर दिए हैं, 20 लेटर रिवर्स कर दिए हैं, शुरुआती 20 जो आपके लेटर हैं उनको विपरीत क्रम में लिख दिया गया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है ये कि लेफ्ट साइड से 8 और 4 राइट। कोशिश करिए, बताइए क्या आंसर होगा, ताकि फिर मैं ये समझूं कि हाँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट पे तैयारी की है पूरी, वो आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है, यानी कि मैं अपना कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ अच्छे से। करिए, कोशिश करिए, ये आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट 20 लेटर रिवर्स में हो तो 8 लेफ्ट 4 राइट क्या होगा, सॉल्यूशन आपको बताना होगा। करिए, कोशिश करिए। मोहित डागर 9, मोहित डागर का आंसर आ रहा है 9, मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूँ साथ के साथ, मोहित डागर का 9 आंसर है। चेक करते हैं बच्चे, मोहित डागर आई आई आंसर आ रहा है, अंशु डागर आई आंसर आ रहा है, ठीक है, गौरव दहिया एस आंसर आ रहा है, अभिषेक भलारा आई आंसर आ रहा है, चलिए सौरभ डागर आई आंसर आ रहा है, मीनाक्षी डबास आई आंसर आ रहा है। देखो मुझे जो है ना, आपका ये अल्फाबेट लिखने का तरीका छुड़वाना है, बस और कुछ नहीं है, ये तरीका लिखवाने का, ये लिखवाने का तरीका मुझे छुड़वाना है। ज्योति राठी आई है, सौरभ डागर आई है, मीनाक्षी डबास आई है, मंजी डागर आई है, प्रत्यक्षा आपका आई आंसर है, चलिए बहुत अच्छे, काफी बच्चों का आंसर आई आ रहा है। तो देखो क्या करना है आपको, ये लेफ्ट से है, आंसर आ रहा है लेफ्ट से, 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब जो 12 है वो 1 से 20 की संख्या के बीच में आता है, तो आपको कितने में से माइनस करना है, ये आपको 20 में से माइनस नहीं करना है, ये आपको 21 में से माइनस करना है। अब जब हम 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 9 पे क्या होता है, आई होता है, यानी कि आप सबने कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आया सबका। चलिए अब हम पहुंचते हैं सेकंड हाफ अपने क्वेश्चन की तरफ।
अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब आपसे बोला जा रहा है कि अब अपना सेकंड हाफ रिवर्स है, ये है आपका सेकंड हाफ, ये क्या है अपना, ये है अपना सेकंड हाफ। अगर सेकंड हाफ रिवर्स होगा तब हमें क्या करना होगा, अगर आपका सेकंड हाफ जो है वो रिवर्स में होगा तो आपको क्या करना होगा, अब हम उसको समझने वाले हैं। चलिए कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या काम आपको करना है। देखिए हमने क्या किया था, अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स था तो 14 का यूज किया था, अगर आपका सेकंड हाफ हो, अगर आपका सेकंड हाफ रिवर्स हो तो आप 40 को याद रख लेना, 40 ये 14 ये 40, सेकंड हाफ के लिए 40। अगर आपका आंसर 14 से लेकर के 26 के बीच में आता है तो, यानी कि आपका आंसर इन दोनों के बीच में आता है तो, इस तरीके से मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो आपको डायरेक्ट 40 में से माइनस कर देना है, इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। सर आप मेरे नाम की स्पेलिंग गलत बोलते हो बच्चे, वो प्रोनाउंस मैं नहीं कर पा रहा हूं क्या करे, प्रत्याशा है या प्रत्याशा है, मैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं आपका नाम, या तो आपका कोई निकनेम रखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं डियर। हाँ जी आंसर आ रहा है, धीरे धीरे आंसर आ रहा है, मोहित अगर वी आंसर है, चलिए वी आंसर आ रहा है, मोहित अगर वी, गौरव दैया वी, पंकज पाठक वी आंसर है, मंजी डागर वी आंसर है, अंशु डागर वी आंसर है, चलिए सब डागर का आंसर वी है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे डागर हैं यहाँ जुड़े हुए हैं, तो अभिषेक बलारा वी आंसर है, बहुत अच्छे। देखो क्या काम करना है, समझते हैं क्वेश्चन को, बाएं से दसवां क्या बोला गया है, बाएं से दसवां, फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है आठ दाएं, कितना बोला गया है, आठ दाएं आठ राइट बोला गया, यानी कि क्या बोला जा रहा है आपसे, 10 लेफ्ट बोला गया, फिर क्या बोला गया आपको, 8 राइट। देखो हिंदी वालों को जहां पे भी ये चार नजर आए, जहां पे भी ये चार नजर आए तो उसको काट देना बच्चे, ये सब लिखने में टाइपिंग एरर हो रही है। तो देखो यहाँ क्या काम हो रहा है, लेफ्ट से है कोई समस्या ही नहीं है, 10 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा, 18 आया। आपका सॉल्यूशन 14 से 26 के बीच में है तो आपको 40 में से माइनस करना है, 40 में से माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और 22 पे क्या होता है, वी। बहुत अच्छे, ये अपना आंसर वी आ गया मजे आ गए। उसके बाद भी काफी बच्चों का आंसर आया, पारू ठीक है, हाँ जी पारू आपका आंसर भी आएगा, बहुत अच्छे, निकनेम अच्छा लगा मुझे पारू, अब तो शायद सही होगा। सौरभ डागर वी आंसर है, मीनाक्षी डवास वी आंसर है, चलिए शिवानी शर्मा वी आंसर है, सब बच्चों के लाजवाब आंसर थे, बहुत अच्छे। 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, अब सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व होंगे। तो सेकेंड हाफ है 14 से 26 आया तो किस में से माइनस, 40 में से माइनस, 40 14 40 14 ये याद रखना है ठीक है, कि 14 40 14 40 14 40 ये याद रखना है अपने को। क्या आ रहा है, 12 लेफ्ट आ रहा है, 11 क्या है, राइट है ठीक है, 12 लेफ्ट है और 11 क्या है आपका, राइट है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा गया दोनों में, लेफ्ट से आंसर आ रहा है, चलिए लेफ्ट से आंसर आ रहा है। सही है, अब सही है चलिए ये आ रहा था कि 12 है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों को प्लस कर देंगे, 12 प्लस 11 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, तो 23 लेफ्ट, 23 लेफ्ट का मतलब क्या है, 40 में से माइनस कर दो, कितना आ गया, 17, वही 17 पे क्या होता है, खतरा होता है, और खतरा यानी कि क्वीन क्वीन यानी कि क्यू, आंसर बहुत अच्छे, मोहित डागर क्यू, सौरभ डागर क्यू, शिवानी शर्मा मुस्करा रहे हो भाई, गौरव दैया क्यू, ज्योति राठी क्यू, अंशु डागर क्यों है, पारू क्यों आंसर है, पंकज क्यों आंसर है, मंजी डागर क्यों आंसर है, मोनिका राठौड़ पी क्यों आंसर है,
शिवानी शर्मा क्या आंसर है, मीनाक्षी डबास क्या आंसर है, अभिषेक भलारा क्या आंसर है। बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आया सबका, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है आज तो बहुत अच्छे, बिल्कुल एकदम बेस्ट। ये सर भावनाओं को नहीं रोक पा रहे हो अपने वह। समझ पा रहा हूं मैं कि हम चलिए करिए कोशिश करिए इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। आंसर कहां से आ रहा है प्यारे बच्चे, राइट से आ रहा है, राइट से आ रहा है। तो सबसे पहले 27 में से माइनस करना होगा, बाद में ही आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है, सेकंड हाफ रिवर्स है या क्या रिवर्स है या नहीं है। आपको राइट दिखाई दिया, 27 में से माइनस करना होगा। 7 और 5 कितना होता है, 12। एल का अपोजिट ओ यानी कि 15। भाई अब ये लेफ्ट साइड से बन गया है, अब ये राइट से है, पहले हमें ये लेफ्ट बनाना होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, 4040 में से माइनस कर दो। क्यों कर दे 4040 में से, क्योंकि सेकंड हाफ रिवर्स है, और सेकंड हाफ अगर रिवर्स है तो 14 और 26 के बीच में आना चाहिए। माइनस कर देना है, 40 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25। और 25 पे क्या होता है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन टिक लगाया, अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए। वाई आंसर, सब बच्चों का वाई आंसर आ रहा था। सौरभ डागर और अभिषेक बलारा, यहाँ पे 3 आंसर भाई आपके गलत थे। आपको उसे राइट था तो 27 में से माइनस करना बहुत जरूरी था, है ना। मंजीत डागर वाई आंसर था, बाकी सब बच्चों का वाई आंसर आ रहा था। बहुत अच्छे लाजवाब आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करो, क्या यहाँ पे आपका आंसर आएगा। क्या बोला जा रहा है, 18 राइट बोला जा रहा है, फिर आपको बोला जा रहा है 9 राइट। तो अगर आंसर राइट से है तो 27 में से माइनस होगा। अब ये राइट है और राइट है तो माइनस होगा, 18 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। 27 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 लेफ्ट है। तो अब 4040 में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 22। और 22 पे क्या होता है, वी, यानी कि ऐसा बोलते हैं ना, वी विक्ट्री साइन, ये कि सेल्फी लेते हैं ऐसे, यो हनी सिंह क्लिक हो गया, तो ऐसा ही होता है ना, वी, तो ऐसे वी, वी आपका ऐसे होता है, वी ऐसे होता है। तो यहाँ पे कितनी है, 2 उंगलियां हैं, तो ये हो गया याद कि ये 22 नंबर पे। चलिए सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, वी आंसर आ रहा है। तो पहले वाला तो गलत आ गया रे बाबा। नहीं कोई नहीं, कोशिश करो। अंशु डागर वी आंसर, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सब बच्चों का वी आंसर है, बिल्कुल लाजवाब आंसर है, बहुत अच्छे, यानी कि सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 33 का आंसर देने की कोशिश करेंगे, 33 का आंसर आपका क्या आएगा, देखिए क्या बोला जा रहा है, 20 लेफ्ट, फिर क्या बोला जा रहा है, 10 लेफ्ट। अब देखो दोनों लेफ्ट है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि 20 माइनस 10 कितना होता है आपका, 10 होता है। अगर सेकंड हाफ की बातें चल रही हैं तो 14 से लेकर के 26 के बीच में आएगा तो ही हमें 4040 का यूज करना है। लेकिन ये तो आया ही नहीं, नहीं आया तो कितना आया, जे, और जे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जो ज्योतिराठी आपने गलत कर दिया कहीं ना कहीं, 30 तो नहीं होगा। चलिए जे आंसर है, सब बच्चों का जे आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर आया। देखिए ये फर्स्ट हाफ में चला गया है, ये जो जे है ये फर्स्ट हाफ में चला गया है, और आपको ध्यान हो शायद कि फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स नहीं कर रखा था, केवल और केवल सेकंड हाफ ही आपका रिवर्स है। इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल और केवल सेकंड हाफ ही आपका रिवर्स ऑर्डर में है, जो आपका ये सेकंड हाफ है ना, ये ही आपका रिवर्स ऑर्डर में है। केवल और केवल आपका जो द्वितीय अर्धांश है उसे ही विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो भाई ये तो पहले उसमें चले गया, ये वाला किस में चले गया है, ये वाला आ गया है आपका फर्स्ट हाफ में, और फर्स्ट हाफ तो आपका रिवर्स है ही नहीं, ये किस में है, ये है आपका फर्स्ट हाफ में, तो फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स है ही नहीं। अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या कहता है। देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इन रिवर्स ऑर्डर। आकांक्षा हेलो डियर, हेलो। चलिए अब आ रहा है आपका बोथ आर रिवर्स, अगर आपके दोनों रिवर्स हैं
तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना था उस चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों ही आपके रिवर्स हैं, तो अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स है, फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स है, तो वो आंसर कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि 1 से 13 तक है। कितने में से माइनस हो जाएगा? 14 में से माइनस हो जाएगा। अगर सेकंड हाफ में बात जाती है, सेकंड हाफ में बातें कब जाएंगी? जब 14 से लेकर के 26 तक आपका जाएगा, तो कितने में से माइनस कर देंगे? 40 में से माइनस कर देंगे। वही काम इस क्वेश्चन में करना है। बच्चों का आंसर आ रहा है? हाँ जी भाई, वीडियो को शेयर कर दो। शेयर करना तो आपके हाथ में है, सब्सक्राइब करवाना आपके हाथ में है, सारा आपके ये मेरे हाथ में क्या है कि आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सही तरीके से प्रोवाइड करवाना, और कहीं पे कोई गलती ना रहनी आपकी। पूरा सिलेबस करवाना वो मेरे हाथ में है, लेकिन भाई वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करवाना, लाइक करवाना, वो सब आपके हाथ में है। तो वीडियो को शेयर कर दो, जितना आप शेयर करोगे और अच्छा है, और बच्चे जुड़ेंगे, आपका कंपटीशन और बढ़ेगा। बीच बीच में बच्चे बहुत सारे कमेंट करेंगे आंसर का, तो आपका हौसला और भी बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन चेक करते हैं कि लेफ्ट से ये है, राइट से इतना है। ठीक है भाई, हाँ लेफ्ट से है और फिर क्या है? राइट से है। क्या बोला जा रहा है? 6 लेफ्ट है, उसके बाद कितना है? 5 राइट है। सोल्व करेंगे, लेफ्ट आएगा, 6 और 5 कितना होता है? 11। आंसर किस में जा रहा है? 1 से 13 संख्या के बीच में जा रहा है। 1 से 13 संख्या के बीच में जा रहा है, तो 14 में से माइनस करेंगे। 14 माइनस 11 होगा प्यारे बच्चे 3, और 3 पे क्या होता है? सी आंसर होता है। बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर पहुंच जाते हैं। आज कॉन्फिडेंस लेवल कुछ हाई है, कुछ अलग ही है, क्योंकि आप सबके आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, और इतने सारे आंसर आ रहे हैं भर भर के, तो मजा आ रहा है पढ़ाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट था। चलिए, हाँ जी दलाल साहब, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों रिवर्स हैं। फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों रिवर्स है, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश दोनों रिवर्स ऑर्डर में। चलिए क्या बोला जा रहा है भाई? बोला जा रहा है 6 राइट बोला जा रहा है, 5 लेफ्ट बोला जा रहा है। 6 राइट 5 लेफ्ट सोल्व करेंगे। राइट में अगर आंसर आया तो ध्यान रखना होगा 27 में से माइनस करना पड़ेगा हर हालत में। तो 6 और 5 कितना होता है? 11 होता है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो के है, के का अपोजिट क्या होता है? पी। अब ये आ गया 16 नंबर पे, और 16 का क्या मतलब है कि ये किस में पहुंच गया? अब आ गया ये सेकंड हाफ में पहुंच गया, और सेकंड हाफ में चला गया तो यानी कि 40 में से माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा? 2424 आपका क्या आ जाएगा? एक्स आंसर आ जाएगा। वही देखिए, एक्स आपको केवल इस आंसर में ध्यान रखना है, कहीं आप किसी दूसरे एक्स को याद करके मत बैठ जाना, कहीं आपको चॉकलेट वगैरह याद आने लग जाए, है ना, कि मैं कौन से एक्स की बातें कर रहा हूं। मैं तो वो मैथ की बातें कर रहा हूं कि लेट एक्स बी, वो वाली बातें कर रहा हूं। पता नहीं कहां खो जाते हो है ना। सबका आंसर एक्स बिल्कुल सही है। मोहित डागर एक्स, पंकज पाठक एक्स आंसर है, गौरव दहिया, शिवानी, मीनाक्षी, अंशु, भावना, ज्योति, मंजीत, अभिषेक, पारू, हंसिका, सबका आंसर एक्स बिल्कुल बढ़िया, लाजवाब आंसर था। इस क्वेश्चन को चेक करिए, बताइए क्या आंसर आपका होगा? लेफ्ट से 5, राइट से सेकंड। करिए कोशिश। हाँ जी हाँ जी, आज बजा जी बल्ले बल्ले, पक्की आले तुहाडे हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? लेफ्ट बोला जा रहा है, तो ये क्या आ गया? लेफ्ट आ गया। 5 और 2 हो गया 7। तो देखो ये 7 किस में आ रहा है भाई? 14 का यूज करना पड़ेगा। 14 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा? जी होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें अगर हम, कि अपना आंसर पहले भी 7 आया था, 14 में से माइनस किया तब भी 7 आया, यानी कि दोनों जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो वो आपसे ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं, तो ऐसा कौन सा लेटर है आपका जो चेंज नहीं होता है?
जो चेंज नहीं होता है। फर्स्ट हाफ में ऐसा कौन सा लेटर है? शिवानी शर्मा आप समझ रहे हो ठीक है, तो पारू कौन है? आपको पता है पारू कौन है, आपके ही सेंटर से हैं भाई। चलिए लेटर, अगर ये देखो यहां क्या बोला जा रहा था, ये बोला जा रहा था कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया जाए तो ऐसे कौन सा लेटर है जो रिवर्स नहीं होता है, यानी कि अपनी पोजीशन छोड़ के जाता ही नहीं है, तो वो कौन होता है प्यारे बच्चों? वो होता है जी आपका होता है ठीक है। जैसे कि मैं एक डायग्राम में आपको समझा दूं, यहां पे था वो, ये रहा डायग्राम कि जैसे कि यहां पे अगर हम अल्फाबेट लिख दें, ऐसे लिख दें कि ए फिर बी सी फिर डी फिर यहां लिखे ई फिर एफ फिर क्या आ रहा है जी, तो जी के नीचे क्या आ गया? जी के नीचे जी ही आ गया, यानी कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर लें या रिवर्स ना करें तो जी अपनी पोजीशन पे रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा लेटर है जो रिवर्स करने पे और बिना रिवर्स करने पे अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता है, वहीं रहता है, तो वो होता है जी। अब इस क्वेश्चन को चेक करो, दाएं से है फिर बाएं से है, फाइव राइट सेकंड लेफ्ट आया 18, कहां से आ गया? 5 और 2 7 होता है, ये क्या है 7 राइट कि सर मोह माया में खो गए कहीं ना कहीं ये क्या है 7 राइट होगा, 7 राइट है, राइट आया तो 27 में से तो माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना आएगा 20 20 आएगा। अगर आपका आंसर 14 से 26 के बीच में आता है तो 40 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, 40 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में भी वो ऐसा ही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे भी 20 और सोल्व करने के बाद भी 20, आंसर तो क्या आएगा आपका टी आएगा। तो वो आपसे एक हिंट ये देना चाहता है कि सेकंड हाफ में कौन सा लेटर है आपका जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो वो क्या है टी है, तो वो क्या हो जाएगा आपका टी। तो देखिए फर्स्ट हाफ में जो बदलता नहीं है, जो फर्स्ट हाफ में नहीं बदलता है वो कौन है? वो है जी, और सेकंड हाफ में कौन है? टी है। तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ हमें दोनों क्लियर हो गए, बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर सबका। हाँ जी भाई टी आंसर, सबने अच्छे से आंसर बताया, सेकंड हाफ में टी चेंज नहीं होता। हाँ जी हाँ जी, अभिषेक बलारा सही बोल रहे हैं कि भाई पढ़ लो नाम में क्या रखा है। भाई नाम तो आपको बनाना है ना, कि आपको तो नीली बत्ती की गाड़ी में घूमना है बच्चे, ऐसा सिलेक्शन लेना है, ऐसी नीली बत्ती की गाड़ी में नहीं कि कहीं आप कुछ कांड करके बैठ जाए और पुलिस वाले नीली बत्ती की गाड़ी में आपको ले जाएं। अब फरवरी महीना आ रहा है, आपको नीली बत्ती की गाड़ियां मिलेंगी बहुत सारी। चलिए सेकंड टाइप पे हम पहुंचते हैं, क्या बोला जा रहा है कि पूरे के पूरे को रिवर्स कर दिया गया है, कि अल्फाबेट आपकी ये होती है, पूरे को रिवर्स कर दिया गया, कंप्लीट अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में है। तो देखना यहां पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीजों का, लेफ्ट और राइट का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कि देखिए मैं कुछ आपको बता देता हूं कि एक टाइप तो आपकी क्या थी, अगर आपकी टाइप हो ए से लेकर के जेड तक, या फिर आपकी टाइप ये हो कि फर्स्ट हाफ हमने चेंज किया है कि एम टू ए मैंने लिखा है और फिर एन टू जेड आपका सेम है, ये वाला सेम है, इसको रिवर्स नहीं किया है, या फिर आपकी टाइप ये हो कि मैंने M टू A लिख दिया फिर आपका Z टू N दोनों को रिवर्स कर दिया, या फिर आपका टाइप ये हो कि पहले हाफ आपका सही है सेकंड हाफ को मैंने रिवर्स किया है। इन चारों में जब कभी भी आपका सॉल्यूशन, जब कभी भी आपका सॉल्यूशन राइट साइड से आता था तो हम उसे सबसे पहले कितने में से माइनस करते थे? 27 में से माइनस करते थे। जब अपनी ये चार टाइप आई, अब तक हम यही किए जा रहे थे, हम जब भी राइट आया 27 में से माइनस करते थे। लेकिन इस टाइप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस टाइप में अगर आपका राइट आया तो आपको जो है 27 में से माइनस नहीं करना है, अगर राइट आया तो, अगर आपका राइट आया तो आपको 27 में से माइनस नहीं करना है। अगर इस वाली टाइप में, इस वाली टाइप में आपका आंसर लेफ्ट साइड से आएगा तो आपको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा?
इस क्वेश्चन के हिसाब से हम समझते हैं आपको क्या बोला जा रहा है, तो बताइए कि लेफ्ट साइड से सातवें नंबर पे और उसके आठ राइट पे कौन होगा, ये लेफ्ट आया तो इनका टोटल कितना है, 15 है। अब देखो प्यारे बच्चों, लेफ्ट साइड से 15 पे जाना है, लेफ्ट साइड से 15 पे जाना है, तो ये एक है, फिर ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये 12 है, फिर ये 13 है, फिर ये 14 है और ये 15 है, और 15 नंबर पे आंसर क्या आ रहा है, आपका L आ रहा है। अगर आपका आंसर लेफ्ट साइड से अगर हम डायरेक्ट लिखें O तो वो हो जाएगा गलत भाई, O आंसर तो हमारा आ नहीं सकता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, केवल और केवल इसी टाइप में, सिर्फ इसी टाइप में आंसर लेफ्ट से आए तो आपको 27 में से माइनस करना होगा, 27 में से माइनस करोगे तो आएगा 12 और 12 पे क्या होता है आपका L होता है, केवल इस टाइप में, लेफ्ट से आए तो 27 में से माइनस, और अगर राइट से आपका आंसर बनता है तो डायरेक्ट है, उसको 27 में से माइनस नहीं करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, शायद अगला भी नहीं है, इससे अगला होगा चेक करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका आएगा। हाँ जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब आंसर है सबके, सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट था पिछले वाले क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करो भाई, क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि 5 तो बाएं से पांचवें अक्षर के 22 बाएं 22वां अक्षर क्या होगा, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना गलत, इसकी जो लैंग्वेज है लैंग्वेज हो गई गलत, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन बनेगा, एक और ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 5th, एक और ऑप्शन बनेगा बच्चे ऑप्शन नंबर 5th। देखो लेफ्ट साइड से 5 है, फिर उसके और भी लेफ्ट जा रहा है, कि जो आपके आंसर आ रहे थे ना कैन नॉट डिटरमाइन वाले आ रहे थे कल, ये वो वाले क्वेश्चन आपका आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा प्रिंटिंग में गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन शायद आपको यहाँ ना मिल पाए, शायद ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 22 जो है माइनस हो जाएगा। अब 5 में से 22 माइनस होगा तो आपका माइनस में ही आंसर आएगा, माइनस का कितना होगा, 17 होगा, यहां क्या आ रहा है माइनस का 17। अगर लेफ्ट है और आपका इंग्लिश अल्फाबेट जो है सीरीज जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है तो उसे 27 में से माइनस करना पड़ेगा। अब ये तो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है, तो फिर ये आप पे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस होने के बाद आपका आंसर किस में चले जाएगा, आपका आंसर राइट साइड में चले जाएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 44 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 44 हो जाएगा, और टोटल अल्फाबेट कितनी होती हैं, टोटल अल्फाबेट केवल और केवल आपकी 26 ही अल्फाबेट होती हैं। अब इसको हमें माइनस करना है, इसको माइनस करेंगे तो 44 में से 26 आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, 18 हो जाएगा। अब 18 नंबर पे क्या होता है, 18 नंबर पे होता है R, तो इस क्वेश्चन का आंसर था R भाई, कैन नॉट डिटरमाइन तो है ही है, लेकिन ऐसा बनेगा क्योंकि मुझे इसमें से जाकर के यहाँ पे आना है, तो आंसर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, और आंसर आपका लेफ्ट में है तो 27 में से माइनस होगा, और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा, 44 बनेगा। अब ये हो गया है आपका राइट साइड से, तो टोटल अल्फाबेट कितनी होती हैं, 26 होती हैं, 44 में से जब 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18, और 18 पे क्या होता है, R होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा R, जो हमने कल वाली क्लास में पढ़े थे, बिल्कुल बीच में ही पढ़े थे मैंने, कहीं ना कहीं, है ना, वहां पे मैंने आपको समझाया था। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 10 राइट, फिर क्या बोला जा रहा है, 5 राइट, चलिए 10 राइट 5 राइट, बहुत बढ़िया। अगर राइट से आंसर आया तो चेंज नहीं करना है, सर धोखा कर दिया क्वेश्चन ने फारो बच्चों, धोखा कर दिया, रिपीट कर दो सर,
39 क्वेश्चन। देखो बच्चे 39 क्वेश्चन में क्या है, मैंने कल वाली वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, कल वाली वीडियो में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, कल भी शायद आप थे। मेरा नेट फिनिश हो गया, अरे थोड़ा लो क्वालिटी में कर लिया करो वीडियो का, हाई क्वालिटी में आप नहीं चला पा रहे हो तो केवल जो है ना 144 में भी देखोगे ना, 114 होता है कितना होता है वो, हाँ 144 होता है, 144 पिक्सल में भी देखोगे तब भी आपको नजर आ जाएगा। हाँ जी सही आंसर जे कैसे दे रहा है समझ नहीं आया। अच्छा वो पिछले वाले का आंसर नहीं आया जे, चलिए चेक करते हैं। देखो हाँ यहाँ पे क्या है आपका राइट साइड से है, तो राइट और राइट तो आपस में माइनस होगा, यानी कि 10-5 होगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और 5 राइट पे कौन होता है, ई होता है, क्योंकि देखो भाई पूरी अल्फाबेट रिवर्स है, यानी कि जेड से लेकर के ए तक लिखा हुआ है, अगर राइट में आंसर आता है तो डायरेक्ट आंसर अपना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपना ई आंसर हो जाएगा। ठीक है मैं हॉटस्पॉट ऑन करता हूँ आप वहां से नेट का यूज करो। हाँ जी अब उनको समझ आ गया कि ये नाम किसका था चलिए चलिए बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 41 को चेक करिए, सबसे पहले सोल्व किया है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब। अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे ही अपने पास, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है आज, तो बढ़िया तो क्वेश्चन हमेशा ही रहते हैं, कुछ बच्चों के आंसर नहीं आ रहे हैं बीच में, वो कहाँ चले गए। 41 को चेक करिए, राइट साइड से बोला जा रहा है, राइट साइड से कितना बोला जा रहा है, राइट साइड से 9, फिर लेफ्ट बोला जा रहा है 8, लेफ्ट बोला जा रहा है, अगर राइट से आंसर है किसी 27 का यूज नहीं करना है, कितना आ रहा है 17 राइट, और 17 राइट पे क्या होता है आपका क्यों होता है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर। ये बहुत बढ़िया सर, अपना वर्ड्स बोर्ड बंद कर दो, कोई और कनेक्ट कर लेगा क्लास क्लास भी नहीं होगी। अच्छा ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट बोली भाई आपने, कि सर एक तो आपका नेट चलता ही स्लो है, ऊपर से आप और वर्ड्स बोर्ड ऑन कर दो है सर आप पारो ही बोलो बच्चे, वो शॉर्ट वाला जो मैंने वो अच्छा लगा आपका निकनेम, तो इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, या तो आप शायद व्हाट्सएप नंबर होगा तो वहाँ पे मैसेज करके बता देना, बोल के बता देना वॉइस मैसेज कि सर ऐसा बोला करो मेरे नाम, ठीक है समझते हो हाँ चलिए अब आपकी टाइप होती है चेंज, आपको क्या बोला जा रहा है इफ, देखो अब आपको क्या बोला जा रहा है उसको हम चेक करते हैं। अब आपको बोला जा रहा है इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, भाई देखो बी लिखा है, बी यहां पे है, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसका अल्टरनेट क्या होगा आपका डी होगा, जैसे कि क्या बोला जा रहा है यदि बी से हम शुरू करें ते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर यानी कि पहले क्या लिखा जा रहा है आपका बी है, ये क्या आ गया बी है, फिर सी है, फिर बाद में क्या आ रहा है डी, तो ये है पहला, यहाँ पे ये है आपका पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या है डी, प्रत्येक दूसरे अक्षर को आपने हटा देना है, बी से शुरुआत करनी है, तो बी से शुरुआत करते हुए हटाते जाएंगे, बी से शुरुआत करते हुए हटाते जाएंगे, बी से शुरुआत करते हुए आप सबको हटा दो है ना, एक छोड़ के एक यानी कि अल्टरनेट वालों को हटा दो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये सारा का सारा, अल्टरनेट वालों को हटा दो बस, अल्टरनेट मैंने हटा दिए तो आपका यही बन रहा है ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू, इसी तरीके से आपका सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो बहुत अच्छे है बच्चे, अब इस तरीके से अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, बताओ क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको इसका शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूं कि छोटा तरीका आपका क्या होगा। अरे पबजी भाई पूरी मेहनत कर दी है कि गूगल पे तो यूं दिखावे है, अब क्या करें। हाँ जी सोल हो भी गया काफी बच्चों का, तो बहुत अच्छे भाई लाजवाब आंसर। देखिए क्या बोला जा रहा है कि बाएं ओर से छठे अक्षर पे, चलिए बाएं ओर से छह पे जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5
और छे पे पहुंच गए। उसके छे दाएं क्या होगा, उसके छे दाएं होगा ए, ये होगा एक दो तीन चार पांच और छे, आंसर क्या आना चाहिए डब्लू। लेकिन ये तो सर अल्फाबेट लिखने के बाद आ रहा है, लेकिन अल्फाबेट लिखने का टाइम अपने पास नहीं है, हमें तो बिना लिखे समझाइए आप। चलिए बिना लिखे समझाते हैं, क्या बोला जा रहा है कि सिक्स लेफ्ट है फाइव राइट है, सॉल्यूशन करेंगे। आंसर क्या आ रहा है लेफ्ट से, छह और पांच कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, ग्यारह आ रहा है। देखिए जब कभी भी आपका ऐसा लिखा जा रहा है, जितने भी नंबर आपके ओड में है, यानी कि आपका ए है सी है ई है, तो आपको क्या करना होगा उस चीज का ध्यान रखो कि जैसे कि सी कितने नंबर पे होता है, सी होता है तीन पे, ई कितने पे होता है पांच पे, के कितने पे होता है ग्यारह पे, लेकिन के तो है आपका छे पे, छे से मुझे ग्यारह बनाना है, छे से ग्यारह बनाना है, यानी कि मैं क्या करूं, छे का डबल कर दूं माइनस वन कर दूं तो कितने पे आ जाएगा, ग्यारह पे आ जाएगा। ऐसा ही है, जैसे कि ये आपका वाई है, ये आपका वाई है, वाई आपका कितने नंबर पे है, तेरह नंबर पे, ऐसे गिनेंगे एक दो तीन चार, तो हम क्या करेंगे, तेरह का कर देंगे डबल माइनस वन कर देंगे, तेरह दूनी छब्बीस माइनस एक कितना हो जाएगा, पच्चीस हो जाएगा। वही काम आपको इस वाले क्वेश्चन में करना है यहाँ पे, कि आपको क्या करना है, ये आया आपका इलेवन, तो आप क्या करना कि ये इलेवन है, इलेवन का आप डबल कर देना, उसमें से वन माइनस जरूर कर देना। इस वाले क्वेश्चन में यही आपकी ट्रिक है, तो 11 टू जा 22, 22 माइनस 1 करना है आपको, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 22 में से एक घटाएंगे तो यू आना चाहिए, हाँ तो यू ही आंसर आना चाहिए। अच्छा हम 6 तक पहुंच गए, ये गलती कर दी थी उसमें, ठीक है भाई 5 तक ही जाना था, 5 ही तो लिखा हुआ है कि बाकी सब मोह माया है, ठीक है। तो ये जो है डब्ल्यू तो आना नहीं था, क्योंकि हमें 5 तक जाना था, 5 मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, तो आंसर क्या होगा यू। तो इसमें केवल एक ही काम आपको करना है, मल्टीप्लाई 2 करो माइनस 1 कर दो, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई डब्लू आंसर, देखो किस किस का आ रहा था डब्लू आंसर फिर भी आ गया, वाह भाई, अब मैंने गलत कर दिया तो आपने भी गलत कर दिया, महान आत्माएं हैं बहुत सारे बहुत अच्छे बच्चे कॉपी पेस्ट पे लगे हुए हैं खैर कोई नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन को कोशिश करिए, ये क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे है। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो 43 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करो। क्या बोला जा रहा है, सेवन लेफ्ट और क्या बोला जा रहा है, थ्री राइट, ठीक है भाई। ये क्या है आपका लेफ्ट है, सात और तीन कितना हो गया, दस हो गया, दस का कर देंगे डबल, एक घटा देंगे, टेन टू जा ट्वेंटी माइनस वन यानी कि नाइनटीन, नाइनटीन पे क्या होता है एस होता है, क्वेश्चन का आंसर आ गया एस, खत्म। अपने को अल्फाबेट नहीं लिखनी है, बिना अल्फाबेट लिखे आंसर बताना है प्यारे बच्चों, बिना अल्फाबेट लिखे आंसर बताना है। मंजीत डागर एस आंसर है, बहुत अच्छे लाजवाब आंसर आया आपका, मंजीत डागर एस है, ज्योति राठी एस आंसर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मोहित डागर एस आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट कि वाओ मेरा आंसर ऐसा आ रहा है, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन 99% स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे थे, बिल्कुल जो है करेक्ट आ रहे थे, कि सबको अगर परसेंटेज मिलने लग जाए, कि अब जो हमने शायद 33 से या ऐसा कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे है ना, तो अगर हमें ये परसेंटेज में मिलने लग जाए आंसर, तो सबके आंसर 97 से लेकर के 98 आपकी एक्यूरेसी आ रही है, और ये एक्यूरेसी आपको क्या बनानी है, 100 एक्यूरेसी बनानी है ना। एस आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया, सबके आंसर ऐसा आ रहे हैं, मोहित डागर, सौरभ डागर, उसके बाद में पंकज पाठक, अभिषेक भलारा, अंशु डागर, मीनाक्षी डवास, पारू, हंसिका वर्मा, एस आंसर बिल्कुल बहुत बढ़िया। 44 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या आपको बोला जा रहा है, चेक करिए 44 क्वेश्चन को, चेक करिए क्या आ रहा है, बताइए क्या आंसर आएगा 44 का। क्या बोला जा रहा है, हाँ बोला जा रहा है 6 राइट और फिर क्या बोला गया है 4 लेफ्ट। देखिए अब बातें किस पे आ गई है, अब बातें तो राइट पे आ गई है। अब जैसे कि राइट आ गया, टोटल अल्फाबेट कितनी होती थी, 26 होती थी, जब हम 26 में एक जोड़ते थे तो हम 27 का यूज करते थे, लेकिन अब जब हमने अल्टरनेट बांट दिए हैं तो अपने पास
टोटल लेटर कितने हैं? 13 हैं। अब हम 13+1 कर देंगे प्यारे बच्चों, 13+1 क्या हो गया? 14। अगर आंसर राइट साइड से बनता है तो आपको 14 में से माइनस कर देना है, बस इतना सा काम करना है आपको कि अब ये 14 कहाँ से आ गया। देखो ये 14 कहाँ से आ गया, ये 14 वहां से आ गया कि आपने लिखा था ना कि एक तो पहली संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, फिर 17, 19, फिर क्या है 21, उसके बाद 23, फिर है 25। ये टोटल कितने हैं? ये टोटल आपके 13 हैं। कि ये कितना है? 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये 13 है वो। तो आप 13+1 कर देना, वो क्या आ जाएगा? 14। अगर आंसर आपका राइट साइड से पूछा जाए, अगर आंसर आपका राइट साइड से आ रहा है तो आपको 14 में से माइनस कर देना, क्योंकि अपने पास लेटर ही अपने कितने हैं, क्योंकि अपने पास लेटर ही 13 है, तो हमें 13 में एक प्लस करना होता है बस। तो अब करेंगे सोल्व, 6 और 4 कितना होता है? 10, माइनस कर दो 10। भाई माइनस कर देंगे कितना आएगा? 4, 4 का डबल करना होगा, एक माइनस करना पड़ेगा, 4 × 8 माइनस एक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 नंबर पे क्या होता है? जी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जी। हाँ जी काकू, मैं बता दूंगी बच्चे खतरनाक है चलिए अगला क्वेश्चन सेम ऐसे है, ट्राई करने की कोशिश करना कि ये क्या है, 13 राइट है, फिर क्या है, 7 राइट है। अब अगर राइट आया तो पहले 14 में से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आंसर होगा उसे into 2 - 1 करना पड़ेगा, फिर अपना आंसर आ जाएगा। भाई ये राइट और राइट है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 13 में से 7 माइनस कर दो, कितना आ गया? 6 आ गया। 14 - 6 कर देंगे, कितना आ गया? 8 आ गया। 8 × 16 - 1 कितना हो जाएगा? 15। ऑप्शन में गिवन नहीं है, सही तो होना चाहिए। 13 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब 14 - 6 अगर हम करेंगे तो वो कितना होगा? 8 होगा। 8 × 16, 16 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। और 15 पे क्या होता है? ओ, जो यहाँ गिवन नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, ओ ऑप्शन जो है वो गिवन नहीं है, क्वेश्चन यही है। 13 राइट राइट है, दोनों को माइनस कर देंगे, 13 में से 7 माइनस करेंगे 6, फिर ये राइट से है तो 14 में से माइनस करेंगे। ठीक है पारू बच्चे, बाय बाय। बस हम भी 4-5 मिनट में क्लास ओवर कर देंगे, क्योंकि ये बी डिलीट हमने किया है तो एक बारी एक और डिलीट कर लेंगे, है ना, ताकि एक दो बच्चे, अगर एक दो क्वेश्चन भी कर लोगे ना आप तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अपने पास केवल 49 ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको ए से स्टार्ट करना है, ए से आपको स्टार्ट करना है, केवल 4 ही क्वेश्चन बचे हैं बच्चे, 46, 47, 48 और 49, केवल 4 क्वेश्चन बचे हैं इस क्लास के अपने, है ना, आपकी दूसरी क्लास भी मिस नहीं होने देंगे, तब तक वहां हाय हेलो चलेगी, तब तक आप यहाँ पे पढ़ लो। देखो अगर आपको बोला जा रहा है कि ए से शुरुआत कर दो, भाई ए से शुरुआत कर दो, प्रत्येक दूसरे हटा दो, पहले नंबर पे बी है, दूसरे नंबर पे क्या है? सी है, ठीक है, सी को हटा दिया गया, उसके बाद पहले पे डी आ गया, दूसरे पे ई आ गया, तो इसको हटा दो, फिर एफ है, फिर जी है, इसको हटा दो। तो आपको यही काम करना है, प्रत्येक दूसरे को हटाते हुए चले जाओ। चलिए जी हटा दिया सबको। अब इसके बाद समझो कि यहाँ बी कितने नंबर पे, ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, ये चौथे पे है, ये पांचवें पे, ये छठे पे, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10वें नंबर पे, ये 11वें नंबर पे, ये 12वें पे और ये 13वें पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन तो कोई भी हो आप अच्छे से उड़ा दोगे। भाई बी कितने नंबर पे होता है? 2 पे। डी कितने पे होता है? 4 पे। जे कितने पे होता है? 10 पे। पी कितने पे होता है? पी होता है 16 पे। वी कितने पे होता है? 22 पे होता है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इस 1 का यूज करके 2 आंसर लाना है तो into 2 कर देंगे, 2 का यूज करके मुझे 4 आंसर लाना है तो into 2 कर देंगे, 5 का यूज करके मुझे 10 आंसर लाना है तो into 2 कर देंगे, 8 का यूज करके 16 लाना है into 2, 11 का यूज करेंगे तो into 2। आपसे यही कहना चाहता है अगर मान लीजिए ए को डिलीट किया गया है, ए को डिलीट किया गया है, आप into 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि बोला गया है कि 6 लेफ्ट है, 5 राइट है, आंसर कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट से आ रहा है, तो 6 और 5 कितना है? 11 है।
तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 दूनी 22, वी इस क्वेश्चन का आंसर आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे पहुंच गए। मैडम ने स्टेटस तो लगा दिया लेकिन क्लास स्टार्ट नहीं की है। हाँ जी बच्चे, क्लास स्टार्ट नहीं, वही तो मैं बोल रहा था, वहाँ हाय हेलो चलेगी, तब तक आप यहाँ पे पढ़ लो। तीन क्वेश्चन और बाकी हैं, 47, 48, 49, बस आप ऐसे ही जुड़े रहोगे तो इसमें भी आपके बिल्कुल हर एक क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि 10 लेफ्ट है, फिर यहाँ पे 6 लेफ्ट है, भाई लेफ्ट से आंसर आ रहा है तो लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होंगे, 10 माइनस 6 होगा कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, ये क्या है 4 है, 4 है तो इंटू 2 कर दो, वो क्या हो गया 8, और 8 पे क्या होता है H, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना H हो गया। सर आपका नंबर कहाँ से मिलेगा? पारू बच्चे नंबर यहाँ पे, अगर आप शिवानी को जानते हो तो उनके पास मेरा नंबर है, और फिर बाकी तो आपके बैच में नहीं है, है ना, बाकी आपके बैच में नहीं है, काफी बच्चों के पास है मेरा नंबर। अब ऐसे बताऊंगा नंबर तो दिक्कत हो जाएगी। खैर कोई नहीं, मैं आप मेरे YouTube पे मैसेज कर देना किसी भी वीडियो पे, तो फिर मैं वहां पे आपको नंबर बता दूंगा। 8:30 होगी मैथ की क्लास, अच्छा 8:30 होगी भाई मैथ की क्लास, तो चलो यहाँ फिर अच्छे से पढ़ेंगे शांति से, लास्ट में फिर व्हाइट बोर्ड पे और समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये आ रहा है, बोला जा रहा है कि 10 राइट और 7 राइट, भाई राइट है, देखो राइट है, टोटल लेटर कितने हैं 13 है, 13 और 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 14 होगा, आपको 14 में से माइनस करना पड़ेगा जो भी कुछ आएगा और फिर उसे 2 मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस करेंगे 10 माइनस 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, 14 में से 3 जाएगा 11 आएगा, 11 दूनी 22 होता है और 22 पे क्या होता है V, इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चे जब कभी भी राइट से आंसर आपका आए, राइट से आंसर आए तो सबसे पहले 14 में से जरूर माइनस करना। अब ये 14 कहाँ से आया था, क्योंकि अपने पास टोटल लेटर ही 13 थे, 13 जमा 1 आपका ये आ गया है, ठीक है, तो फिर जो भी आंसर आए उसे डबल कर देना बस। अच्छा स्टार्ट हो चुकी है, चलो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, बिल्कुल फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी पबजी वाले गुस्से हो गए भाई, किलर हो गए तो मार मार देंगे भाई, सही बोल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, सब बच्चे जुड़े हुए हैं वो इसीलिए कि भाई किसी का कुछ मिस ना हो, हर एक यहाँ पे आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हर एक आपकी क्लास इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन, चेक करके बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 5 राइट बोला जा रहा है और 7 लेफ्ट बोला जा रहा है, अगर प्यारे बच्चों राइट से आंसर आया तो मुझे 14 में से माइनस करना पड़ेगा, 14 में से माइनस करेंगे 7 और 5 कितना होता है 12 होता है, माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा तो एक ट्रिक जो बनती है इंटू 2 वो कितना होता है 4 और 4 पे क्या होता है D, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा, उड़ा दिया क्वेश्चन को हमने, गौरव दैया D आंसर है बिल्कुल। ले भाई पबजी वाले, पारू ने बोला कि घना मतमच है, हम भी फ्री फायर के प्लेयर हैं भाई, खतरनाक प्लेयर हो रहे हैं ना। तो बच्चे यहाँ तक अपनी क्लास थी, अपनी क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, तो अब आप दूसरी कोई भी क्लास ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं बच्चे देखो ऐसे नहीं बोलना है ना पबजी भाई, ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि मर्यादा में अच्छे रहते हैं। बस बस अब लड़ाई नहीं करनी, चलिए मैं क्लास को ऑफ करता हूँ, ठीक है, तो गुड नाइट ऑल। कल कल आपकी यहाँ पे कल आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट टाइप आपकी बचेगी जो मिसलेनियस है वो आपकी बचेगी, कल ये खत्म हो जाएगा और कल यहाँ पे लास्ट में 5-10 मिनट इसका रिविजन हम कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका टॉपिक होता है खत्म। सब बच्चों को गुड नाइट, मिलते हैं अब हम कल वाली क्लास में, आज क्लास में बहुत मजा आया भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, जितने बच्चे क्लास में जुड़े हो अगर उतने भी यहाँ पे लाइक करते तो बहुत सारे लाइक बढ़ जाते है ना। चलिए मिलते हैं, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट ऑल। बहुत अच्छा लगा क्लास को लेकर के आज, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत आई था, बहुत अच्छे। मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर हम कल की क्लास में।